सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये आपका 8वीं कक्षा का FA 2 का सिलेबस है। SA 1 का सिलेबस हमें गवर्नमेंट से मिला था, उसमें से मैंने उसका दो भागों में उसको बांट दिया था। कुछ अध्याय हमने FA 1 में करवा दिए हैं, जो आप सामने देख रहे हैं ये आपको FA 2 में करवाया जाएगा। आज मैं आपको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का प्रश्न नंबर 12 और 13 करवाऊंगा। यदि आपने सारा सिलेबस देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से तीनों क्लासेस का जो है सिलेबस देख सकते हैं। ये आपका FA 2 का सिलेबस है और FA 1 और FA 2 का कुल मिला के जो सारा सिलेबस बनेगा वो आपका SA 1 का बनेगा और SA 1 का जो पेपर है वो आपका, वैसे तो विंटर क्लोजिंग स्कूल हमारा है तो जून में आपके पेपर हो जाने चाहिए थे, पर अब देखते हैं क्या होता है। अभी चलते हैं अपने सिलेबस की ओर और पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 और 13। एट क्लास में आज हम FA 2 में ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12। दिए हुए वृत्त O की परिधि में A परिधि में दिए बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचो। तो हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है O, ये आप देख सकते हैं ये एक वृत्त है, इसका नाम हम दे देते हैं O और इसकी परिधि पे एक बिंदु दिया हुआ है A और हमें कहा गया है P बिंदु दिया हुआ है P और ये कह रहा है कि P से आपने एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हमने इसको P और O को मिला दो इस तरह से। यहाँ से आपने 90 डिग्री का कोण बनाना है P पॉइंट पर। आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारा 90 डिग्री का कोण बनके तैयार हो गया और ये जो है इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे A, जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है और हमने इस पॉइंट को A को जो है वो P के साथ मिलाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी A O पॉइंट पर स्पर्श रेखा है। ये हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एक हम और करेंगे आज प्रश्न नंबर 13। दी हुई चाप AC पर बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचो। आपके पास एक चाप दी गई है तो आपने इसकी परिभाषा याद करनी है, तो आपको पता लग जाएगा चाप किसे कहते हैं। आपने ये अर्ध परिधि से कम होती है, यहाँ तक यदि आप खींचेंगे तो ये आपकी अर्ध परिधि बन जाती है, तो आपने अर्ध परिधि से कम लेनी है और चाप का नाम हमारा है AC। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका C है और आपने यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हमने सबसे पहले A और C जो आपके पॉइंट है उन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इस तरह से हमने ये मिला दिए हैं। अब हमने क्या करना है, A और C जो आपकी रेखा आई है इसका हमने समद्विभाजन कर देना है। लाइनें डॉटेड ही लगानी है, विशेष ध्यान रखना A पॉइंट पर पता रखेंगे और इन चापों को हम काट देंगे जो हमने पहले चाप लगाई है। आप देख सकते हैं इसको हम मिला देते हैं जहाँ पे ये चापें आपस में कट रही हैं, इन चापों को हम मिला देंगे। ये जहाँ पे ये आपका AB रेखा जो हमने मिलाई AC रेखा जो हमने मिलाई थी ये कट रहा है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा O। अब आपने क्या करना है, ऊपर जो है ये रेखा चाप को जहाँ काट रही है ये पॉइंट आपका आ गया P। हमने क्या करना है, A
और पी को आपस में मिला देना। ये आपने मिला दिया है। इसमें विशेष जो कार्य है वो यहीं पे है। आपने क्या करना है, ए पॉइंट पर पटका रखो और यहाँ पे चाप लगाना। पहले इतनी चाप लगानी आपने, ये ठीक है। इसको आपने आगे बढ़ा देना। कि मैंने इतना ही क्यों कहा, इसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इतनी प्रकार खोलनी है। यहाँ पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ आर, यहाँ पे पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ के। तो आपने आर से के जितनी प्रकार खोलनी है, जितना ये कोण है इतनी प्रकार खोल के आपने आगे चाप लगा देनी है। इस चाप का नाम मैं दे देता हूँ डी। हमने क्या करना है, ए से डी को मिलाना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी आ गई स्पर्श रेखा ए पॉइंट से।